अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वसीम अशरफ और आप देख रहे हैं ऑटो सॉल्यूशन। जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तब तो गाड़ी की एसी की कूलिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब गाड़ी रुक जाती है तो आइडल पे ऐसे हम गाड़ी स्टार्ट करके खड़े हैं तो एसी की कूलिंग उतनी अच्छी नहीं होती, गर्मी लगना शुरू हो जाती है, और जैसे गाड़ी चलती है तो कूलिंग सही होती है। सबसे पहली वजह जो हो सकती है अगर आपकी गाड़ी खड़ी हुई अच्छी कूलिंग नहीं कर रही है और चलते हुए अच्छी कूलिंग कर रही है, तो सबसे पहली वजह हो सकती है उसमें एसी की गैस कम है। ठीक है, आप किसी भी एसी वाले के पास जाएं, उसे कहें कि इसकी एसी की गैस बराबर करें। वो कैसे पता चलेगा? एसी की गेजेस लगाएगा, उसमें दो गेजेस होती हैं, एक लो प्रेशर एक हाई प्रेशर। लो प्रेशर जो है वो 22 PSI, 22 PSI से लेके 35 PSI तक होना चाहिए, जो लो प्रेशर है इसके बिटवीन होना चाहिए। और जो हाई प्रेशर वाली गेज है वो 200 PSI से लेके 230 PSI तक होनी चाहिए। और जब आप प्रेशर चेक कर रहे हो, आपका एसी का ब्लोअर फुल स्पीड पे होना चाहिए, और जो टेम्परेचर सेट करेंगे आप वो भी मिनिमम कोल्ड पे होना चाहिए, और गाड़ी के जो RPM है रेस दे के आपने 1500 RPM तक रखनी। दूसरी जो वजह हो सकती है वो उसके कूलिंग फ़ैन हो सकते हैं, कूलिंग फ़ैन मोटर हो सकती है। अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रही, उसकी स्पीड स्लो है, फ़ैन के अंदर प्ले है, तो भी आपको प्रॉब्लम वो है मिलेगी। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास एक होंडा सिविक है, ये इसका कवर मैंने क्लिप्स निकाल के रखे हुए हैं, इसका ये मैं कवर निकाल लूँगा। ये जो है ये मोटरें हैं, ये पंखा है, इसको हमने इस पंखे को ऐसे करके इसमें देखना है कि कोई प्ले तो नहीं है। ये देखें, मैं ऐसे इसको हिला के देख रहा हूँ, इसके अंदर कोई प्ले नहीं है, इसमें कोई प्ले नहीं होनी चाहिए। ये दोनों पंखों में आपने देख लेना, ठीक है। अगर इन पंखों में प्ले नहीं है, आप एसी ऑन करें, गाड़ी स्टार्ट करें और पंखे देखें दोनों अच्छे से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। आपने चेक कर लिया एसी की गैस सही है, पंखे भी बराबर चल रहे हैं, उनमें कोई प्ले भी नहीं है, मोटरें बिल्कुल सही काम कर रही हैं। उसकी जो तीसरी वजह हो सकती है व्यूअर्स, उसका अगर ये देखें, ये कंडेंसर एसी का है, सही है, ये रेडिएटर लगा हुआ है और ये रेडिएटर के साथ ये कंडेंसर है, सही है। बाकी गाड़ियों का भी इसी जगह पे ही होता है, ये एसी का कंडेंसर है। व्यूज आप देख सकते हैं एसी का कंडेंसर किस कदर गंदा है, और ये फिन्स जो है ये बेंड हुए हुए हैं, ये देख सकते हैं, तो हवा इनमें से अच्छे से नहीं गुजरती। इसका एक तो तरीका है, आप इसको सिंपली पानी से धोएं, वॉश करें तो साफ़ होगा, लेकिन वो उस तरह से उतना अच्छा साफ़ नहीं होता। इसलिए हम जो है एक आपको प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, पाकिस्तान में आपको बहुत सारी, अगर आप ऑनलाइन draaz.com पे जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जो एसी कंडेंसर क्लीनिंग की, आप वहाँ से सर्च करें। ये हम यूएई में हैं तो यहाँ पे एक अवेलेबल प्रोडक्ट मेरे को मिला है, ये हम यूज़ करेंगे। इस प्रोडक्ट को जो है ये आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है कंडेंसर कूलिंग कॉइल क्लीनर एंड ब्राइटर, ठीक है, ये उसको क्लीन करने के लिए है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, एक हिस्सा हमने इस केमिकल का लेना है और तीन हिस्से पानी के लेने हैं। ये ऑलरेडी हमने जो है मिक्स करके पानी के साथ इस बोतल में रख लिया, ठीक है। तो व्यूज इसको क्लीन करना है। बात कर लेते हैं कंडेंसर की, कंडेंसर जो है इसका काम क्या है, इसकी जॉब क्या है। व्यूज जो एसी कंप्रेसर है, एसी कंप्रेसर में से गैस की शक्ल में कंप्रेस्ड शुदा जो गैस है वो कंडेंसर में आती है, जो कि काफ़ी गर्म होती है। कंडेंसर में उस गैस को ठंडा किया जाता है, कूलिंग फ़ैन लगा हुआ है, और सामने से गाड़ी चलने के दौरान भी उस पर हवा लगती है और कूलिंग फ़ैन भी लगा हुआ है, जिससे जो कंडेंसर में से जब हवा गुजरती है, कूलिंग फ़ैन भी लगा हुआ है, जब कंडेंसर में से हवा गुजरती है गाड़ी चलने की सूरत में या फ़ैन की सूरत में, तो उसके अंदर मौजूद गैस जो है वो ठंडी हो जाती है। जब गैस ठंडी हो जाती है तो वो लिक्विड का जो शक्ल है वो अख्तियार कर लेती है। अगर वो अच्छे से गैस ठंडी होगी, जितनी अच्छे से ठंडी होगी उतनी जो है वो कूलिंग अच्छी होगी। जैसे कि आप कंडेंसर की जो कंस्ट्रक्शन है उसको देख सकते हैं कि ये पतली पतली जो है ट्यूब्स होती हैं इसके अंदर, इसमें से गुजरने से जो है वो ठंडी हो जाती है। तो आप सोचें अगर कंडेंसर चोक होगा तो वो सही से गैस ठंडी नहीं हो सकेगी, मिट्टी वगैरह होगी तो वो आपकी कूलिंग पे असरअंदाज होगा। तो अगर तो गाड़ी चल रही है, सामने से हवा ज़्यादा तेज़ी से लग रही है, तो अच्छी गैस ठंडी हो रही है और जो है कूलिंग अच्छी है। और अगर गाड़ी खड़ी है तो सामने से इतनी तेज़ हवा नहीं लग रही, तो उतने अच्छे से गैस ठंडी नहीं हो रही, लिक्विड फॉर्म में नहीं चेंज हो रही, इसलिए उसकी कूलिंग जो है थोड़ी पुअर हो रही है। तो व्यूज़ देख सकते हैं, अभी हमने इसको पूरा जो है ना, आप देखें ये फोम की शक्ल में, ये जो इसमें से कचरा है, ये गल के मैल कचैल जो भी है, ये फोम की शक्ल में ये निकल आएगा। इसको हमने 5 मिनट रहने देना ऐसे, और उसके बाद हम पानी मारेंगे। एक और तरीका आपको मैं कंडेंसर चेक करने का बताऊं कि आपने आपका कंडेंसर चोक है या सही है। आपने क्या करना है, टॉर्च लाइट लें या कोई भी टॉर्च लें और एक साइड से मारें, टॉर्च को एक साइड से मारें और दूसरी साइड से देखें लाइट पास होनी चाहिए। तो देखें व्यूअर्स, ये 5 मिनट के बाद ये फोम की शक्ल में आप देख रहे हैं किस तरह से जो है वो कचरा जो है बाहर निकल रहा है।
हाँ, और ये कुछ रस्ट भी जो है वो भी निकल रही है इस तरफ देखें। ये 5 मिनट के बाद हम इस पर पानी मारेंगे और ये बेहतरीन किस्म का साफ़ हो जाएगा। और यकीन करें, जब ये आप भी समझ सकते हैं, जब ये अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाएगा तो आपकी कूलिंग की परफॉर्मेंस पे कितना जो है वो बेहतर असर पड़ेगा। तो खड़ी गाड़ी में एसी अच्छे से कूलिंग नहीं कर रहा, उसकी एक और वजह जो है वो आपके एसी कंप्रेसर अगर थोड़ा सा वीक है, उसका प्रेशर थोड़ा कम है, तो भी जो है खड़ी गाड़ी में कूलिंग अच्छी नहीं होगी। जो कचरा था वो बाहर निकल गया और कंडेंसर एकदम ज़बरदस्त हो गया। अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके डिफरेंस देखेंगे कि कूलिंग का क्या डिफरेंस है। बिस्मिल्लाह, गैस स्टोव टॉप अप कर दी तो फिर भी सेम प्रॉब्लम था। तो फिर मुझे ये जो है ये चीज़ ख्याल आया एसी कंडेंसर का, तो मैंने ये प्रोडक्ट मंगवा के तो उसका क्लीन किया। और अब देखें, क्लीन करने के बाद जो है पहले से बहुत बेहतर कूलिंग की इसकी जो एफिशिएंसी है खड़ी गाड़ी में भी बहुत अच्छी हो गई है। तो मैंने सोचा कि ये जो वीडियो है आपके साथ भी शेयर किया जाए। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप भी ये ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका जो कूलिंग है परफॉर्मेंस वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और दूसरी बात व्यूअर्स, अगर ये क्लीन करने के बाद भी आप कह रहे हैं यार मेरे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, गाड़ी तो वैसी है, तो वह मैंने जो एक पॉइंट बताया कंप्रेसर वाला, तो फिर लास्ट वो हो सकता है कि आपकी कंप्रेसर थोड़ा वीक है। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो सके। एक बात हमेशा याद रखें, ड्राइव सेफ अराइव सेफ। उसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।